भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज मोहल्ले में पार्षद पति कुंदन यादव के घर के पास चल रहे जुए अड्डे पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की। अड्डे की घेराबंदी कर पुलिस ने जुए के अड्डे से पार्षद पति सहित 14 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अड्डे से 2,07,790 रुपये, 17 ताश की गड्डी, 16 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वार्ड नंबर 9 के पार्षद पति कुंदन कुमार यादव, गोसाईदासपुर का मंटू यादव, सुभाष मंडल, पवन कुमार दास, सुंदरम कुमार, अनुज गोसाई, रूपेश यादव, सुनील चौधरी, राहुल कुमार, देवानंद मंडल, इफ्तिखार हुसैन, बिपिन कुमार मंडल, रुपेश कुमार, योगी मंडल शामिल है। विश्वविद्यालय ललमटियानाथ नगर और सीआईटी की टीम छापेमारी में शामिल थी। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दूसरी जो सफलता है वो विश्वविद्यालय थाना के जो साहेबगंज मोहल्ला है वहाँ पर लगातार ऐसी सूचना आ रही थी कि लोग वहाँ पर जुआ खेलते हैं, संगठित तौर पर जुआ खिलाया जाता है। और उस कल ऐसा इनपुट मिला था जिसमें डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी जिसमें SHO विश्वविद्यालय दिलसाद और हमारी DIU की टीम थी। उनके द्वारा एक कुंदन कुमार हैं जो पूर्व के वार्ड पार्षद भी हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई। उसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जो कुंदन कुमार हैं इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें एक इनके मारपीट और रंगदारी का केस है और एक शराब का कांड पूर्व में दर्ज है। और उसमें लगभग 2,07,000 रुपये की बरामदगी हुई, 17 जो कार्ड्स होते हैं उसकी गड्डियां बरामद हुई, 16 मोबाइल की बरामदगी की गई है और उसमें सुसंगत धारा में FIR करके 14 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और भागलपुर पुलिस का इस तरीके से जो संगठित अपराध करते हैं इस तरह से, उसके खिलाफ जो हमारा अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। इसमें और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और भी कार्रवाइयाँ होंगी। अगर भागलपुर में हल्की बारिश भी हो जाए तो पूरे शहर की सड़कों पर भयानक जल जमाव हो जाता है। शहर के अलावे कॉलोनियों से लेकर मुख्य मार्ग तक हुए जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जलभराव ने नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल दी है। हल्की बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के तहत कई कार्य हो रहे हैं लेकिन जल निकासी का अभी तक कोई निदान नहीं निकल पाया है, जिसके चलते थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। भागलपुर की कई सड़कों पर 3 फीट से अधिक पानी का बहाव देखने को मिला, जिससे आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भागलपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश होने के बाद घंटों जल जमाव बना रहता है, जिससे लोगों को स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार जाने में भी परेशानियां होती है। लेकिन इस पर ना तो नगर निगम मजबूत कदम उठा रही है और ना ही स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों की गतिविधि इस पर नजर डाल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भागलपुर शहर हर बारिश में इसी तरह टापू बना रहेगा? क्या सड़कों पर नालियों का पानी इसी तरह बहता रहेगा? बहरहाल यहाँ के लोग बारिश में किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ की भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। परेशानियां कितनी भी हो लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी तट पर ऐसे ही दो अनोखे भक्त मिले जो दोनों पैर से पूरी तरह दिव्यांग हैं। सबसे खास बात है कि दोनों बरसों पुराने मित्र हैं और दोनों विगत 10 वर्षों से सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर बैद्यनाथ धाम को जाते हैं। रास्ते में लोग उन्हें दिव्यांग दोस्त बम के नाम से जानते हैं, साथ ही दोनों के जज्बे को भी सराहते हैं। दरअसल ये दोनों दोस्त बचपन से दिव्यांग हैं। दोनों पटना के मसौढ़ी के रहने वाले हैं। दिव्यांग राजू ने बताया कि मसौढ़ी के दुर्गा मंदिर में बरसों पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे, तभी से दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों 10 वर्षों से बगैर किसी महत्वाकांक्षा के बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं और 4 दिन में पहुंचते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दोनों अनन्य भक्त महादेव से कुछ नहीं मांगते। दिव्यांग है आप पैर से? क्या हुआ पैर में? पैरालिसिस। दोनों कब हुआ था? बचपन में हो गया। कौन है दोनों आप दोनों में? दोस्त हैं। आपसे कुछ दोस्त हैं? कब से जाते हैं? 10 बरस से जा रहे हैं। 10 वर्ष। अब पैर में तकलीफ है, परेशानी भी होती है जाने में? हाँ होती है, परेशानी होती है, फिर भी जाते हैं। क्या कारण है? बाबा से प्यार करते हैं। बाबा से प्यार? अच्छा, आज के परिवेश में देखा जाता है दोस्त दोस्त को मरता है, दोस्त दोस्त का नहीं रहता, लेकिन आप दोनों दोस्त एकदम दोस्ती निभाते आ रहे हैं। कैसे दोस्ती की शुरुआत हुई? दोस्ती की शुरुआत कैसे? दोस्ती की शुरुआत हुई कि माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ पर
भजन कीर्तन होता है, भजन कीर्तन में हम लोग जाते आते हैं तो वहीं पे देते हैं। कहाँ घर? घर हुआ मसौढ़ी पटना। पटना से? हाँ। अभी फिर यहाँ से बैद्यनाथ? हाँ। कब तक पहुँचेंगे? बैनाथ धाम। हाँ, कब तक पहुँचे? बैनाथ धाम बृहस्पत बुध बृहस्पत बुध बृहस्पत। रास्ते में कोई परेशानी? कोई परेशानी। क्या नाम हुआ? हाँ, क्या नाम हुआ? राजू राजा। कब से चल रहे हैं इस तरह से? इनके साथ जा रहे हैं? दोस्त के साथ जा रहे हैं। दोस्त है आपकी? हाँ। अच्छा, कोई परेशानी भी होती जाने? परेशानी तो आप होता ही है थोड़ा बहुत। दोनों पैर से देख लाओ तो मोबाइल। दोनों पैर में परेशानी जी? कब से है तकलीफ? बचपन से है। फिर भी जाते हैं? फिर भी जाते हैं। इतनी आस्था कैसे भी महादेव? बस बाबा का कृपा। बाबा मनोकामना पूरी करते हैं? जरूर करेंगे। कब तक पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे बोध विहार पतले। रास्ते में कोई परेशानी भी? थोड़ा बहुत होता है। कहाँ घर है आप? मसौढ़ी घर है। रास्ते में दोनों को देखते हैं तो लोगों की भीड़ भी मिलती होगी? बहुत भीड़ लगता है, लोग सराहना करते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? महेश्वर कुमार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 10वें दिन भागलपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ गंगा घाट, पार्किंग स्थल, कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला 2 माह का हो रहा है। श्रावणी मेला 10 दिन अच्छे तरह से बीत गया है और भी अच्छे तरीके से बिताने की बात कहते हुए कहा कि विभाग के द्वारा सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। श्रावणी मेला में और बेहतर व्यवस्था हो इसके लिए तैयारियां की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें, नहीं तो मानव की क्षति हो सकती है। इस दौरान सदर SDO धनंजय कुमार, CO अमित राज, BDO मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार सहित जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे और सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। जहाँ जो कमी पाई जा रही है उसका हम लोग निराकरण भी कर रहे हैं। डायरेक्टर DRDA जो मेला दंडाधिकारी के रूप में नामित है लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं, और सभी चाहे वो SDO हों, SDPO हों, पुलिस के पदाधिकारी हों, BDO, CO, कार्यपालक पदाधिकारी, सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि शुरुआत का जो 10 दिन है बहुत अच्छे से ये निकला है और आगे भी हम लोग बढ़िया से पूरी मेला अवधि में जो भी विभाग का जिस भी विभाग का जो भी काम है उसको हम लोग ठीक तरीके से सारा सब कर।
सर गंगा का जलस्तर बीते दिनों बढ़ा था, फिर आगे गंगा का जल, देखिए गंगा के जलस्तर में अभी लगातार बढ़ोतरी हो गई। हम लोग जान रहे हैं जो ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है, सारी नदियां जो है उत्तर भारत की वो गंगा में ही कमोबेश या गंगा की सहायक नदियों में ही आके मिलती है, तो लगातार जो है वो गंगा के जल स्तर में वृद्धि होगी। और उस हिसाब से हम लोग की तैयारी है, SDRF के बोट्स लगे हुए हैं, घाटों पर जो बैरिकेडिंग है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लगातार हम लोग लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। फिर भी जैसा कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर वहां जो पुलिसकर्मी है हमारे गोताखोर हैं उसके बताने पे भी वो नदी की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, गलत भी विलुप्त होते SDRF में दो तीन जाने जो हमें बचाई है उनके अलर्टनेस के कारण, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि किसी का ध्यान नहीं गया और अचानक से वो गहरे पानी में चला गया, उससे बहुमूल्य जो जान रहता है व्यक्ति का वो कभी कभी चला जाता है अगर समय से उस पर उसको बचाया नहीं गया। मेरी यही अपील होगी कि लोग जो बैरिकेडिंग है उसके आगे नहीं जाए, और आज मैंने कहा है कि अगर कोई जानबूझ करके बताने पे भी आगे जाता है नदी पे तो उस पर सख्ती करें, उसको फिर जो है उस पर बॉन्ड लेना, या कुछ लोग जो है वो पुलिस से उलझ जाते हैं तो फिर उसमें हम FIR भी करें, ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। बाद में घटना हो जाती है तो उससे जो है मानव क्षति तो होती ही है और एक जो है बहुत खराब मैसेज भी जाता है, तो ये हम लोग इंश्योर करेंगे। सर अन्य जगह क्या कुछ तैयारी है बाढ़ को लेकर, कटाव को लेकर? लगातार कांवरिया श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। इस बार हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि 2 माह तक जो है ये सावन का जो मेला है जो कांवरिया जाते हैं देवघर की तरफ, तो ये 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा और 10 दिन होने को है उद्घाटन के बाद, और सावन महीना है 10 दिन बीत गया है, लेकिन आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं जो है वो हम लोग लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं, इसको और बेहतर कर रहे हैं, कहीं कोई किसी तरह की गिरावट नहीं आई है। और जो कांवरियों से फीडबैक मिल रहा है, जो श्रद्धालु बाहर से दूसरे जिलों से राज्यों से आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, चाहे नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था हो या यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम या घाट पर जो व्यवस्था की गई है रहने आवासन पेयजल शौचालय। भागलपुर जिले के सबौर स्थित एक शिव मंदिर में दूध पीते नंदी की प्रतिमा, नाग सांप की प्रतिमा और शिवलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में शिवलिंग को नंदी नाग को दूध पिलाते लोग दिख रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। नंदी बाबा और नाग सांप के दूध पीने को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। यह घटना सबौर स्थित शिवालय महादेव मंदिर की है। यहाँ के शिव मंदिर में भक्त प्रतिदिन की भांति दर्शन करने पहुँचे थे, मगर जब मंदिर में स्थापित भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी नाग सांप और शिवलिंग की प्रतिमा पर जल चढ़ाने पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि जल नंदी ने पी लिया। फिर यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग अपने अपने घरों से जल व दूध लाकर नंदी को पिलाने लगे। जहां एक तरफ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। वहीं भागलपुर के आसपास के कई शिवालयों में शिवलिंग, नाग सांप और नंदी के दूध पीने के वायरल वीडियो को लोग हिंदू देव भगवान भोलेनाथ की कृपा मान रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में ऐसी घटना का होना हिंदू धर्म के लोग चमत्कार मान रहे हैं। बताया जाता है कि रोज की तरह शाम की आरती होने के बाद लोगों ने शरणामृत चढ़ाया तो पता चला कि नंदी की प्रतिमा ने उसे पी लिया। इसके बाद यहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई और लोग अपने अपने घरों से दूध लाकर पिलाने लगे। दूध पीते हुए नंदी की प्रतिमा का किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तुम भी पिलाए पानी क्या? कितना पिलाए? तुमको कब पता चला? कैसा लग रहा तुमको? क्या आस्था लग रहा बोला बात ऊपर? क्या तुमको खुशी हो रही है? किस स्कूल में पढ़ते हो? होली फैमिली स्कूल यहाँ पे। कौन सा क्लास में? 5 में, और कल मेरे एग्जाम है इसमें। मनोकामना पूर्ण के लिए। क्या नाम हुआ बाबू? कैसे पता चला आपको? क्या बोला बच्चा आपको? बच्चा बोला कि बोला को जल पी रहा है। जल पी रहा है? आप पिला के देखे? आप पिला को तो सब ने देख रहा है। क्या चीज से पिलाए थे? चम्मच से। कितना पानी पिए बोला बा? कितना पी रहा है बोला को? पिए रहा है अभी तक, पिए रहा दे रहा है, पिला रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं अभी यहाँ? दूर से, बड़ी धनकर से, छोटी धनकर से, इधर सब। क्या नाम हुआ आपका?
कहाँ घर है? पति का क्या नाम है? क्या मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा क्या पानी पी लिया तो? पूरा कर देगा तो।